हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वीडियो भीमी ब्लॉग। तो आई होप सब लोग ठीक हो गए। तो गाइस, आज आपको बता दें, आज स्पेशल डे, आज है शिवरात्रि। पिछले साल हम गए थे लोधेश्वर महादेवा, वहाँ पर दर्शन करे थे जाके बाबा के। तो इस बार जा नहीं पाए क्योंकि सिस्टर की शादी थी, तो गाँव आना पड़ा। तो हमारे गाँव के गाँव में आपको जो पहले वाले वीडियो में दिखाया था, स्थापना होनी है भोलेनाथ जी की। तो आज अभी थोड़ी देर में उनकी बारात निकली, यहाँ पर बारात निकलती उनकी, तो ठिलिया विलिया उनको सजा दी गई है। तो वहाँ से पूरे चारों गांव में घूम के आएंगे, पहले सारे पूरे गांव में जब घूम के आएंगे तो उनकी फिर स्थापना होगी। जब स्थापना होगी तो फिर दर्शन किए जाएंगे। तो जब दर्शन करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, स्थापना होगी वो भी आपको दिखाएंगे, और बूंदी बूंदी बटेगी, कुछ भंडारा भी होगा, सब मज़ा आने वाली है। और सिस्टर की शादी भी है, और खाना वाना मिठाई वहाँ पर भी बननी है, तो सब आपको दिखाएंगे। मैं यहाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर शूट करता है तो वहाँ पर माइक बज रहा है, गाने बज रहे हैं, तो वहाँ से आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं दूर आ गया वहाँ से, तो यहाँ पर शूट करने आ गया, रोड के पास बम्बा है उसके किनारे, तो यहाँ पर सही शूट हो रहा होगा। तो अभी फिर वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या है। गाइस, यहाँ लगे हैं कटहल, अभी छोटे छोटे हैं और सीज़न आ गया इनका लगने का, तो ये बड़े बड़े होंगे धीरे धीरे। अभी ये डांस करेगा थोड़ी देर में, बहुत तगड़ा डांस करता है भाई, उछल उछल के डांस करता है, अभी देखना कितनी मजा आने वाली है। और उधर देखो भोलेनाथ की झांकी, इसमें रखे जाएंगे, पूरे गांव में घुमाए जाएंगे, और यहाँ स्थापना होगी, आपको सब दिखाएंगे। ये पूरी रेडी हो चुकी है, तैयार हो गए, एक और घोड़ा इधर खड़े हैं, मस्त लग रही ना कुछ भी कहो ये।
तो गाइस अभी हम लोगों की महादेव की बारात निकल चुकी है, अभी पूरे गांव में घूमेगी, पूरे हम लोग गांव में जाएंगे चारों तरफ और घूम के जब वापस आएंगे तब स्थापना होगी। अभी चलते हैं और मौज करते हैं। तो फाइनली गाइस पूरे गांव में घूम के आ चुके हैं और अब सीन ये है कि सब लोग ये पानी लिए खड़े हैं क्योंकि बीच में एक मटका रखा गया है गोल्डन में, तो उसमें पानी भरा जाएगा। जब तक पानी नहीं भर जाएगा तब तक ये लोग पानी भरते रहेंगे, बार बार लाते रहेंगे पानी और इसमें पानी पूरा भरेंगे। जब तक पूरा नहीं भर जाएगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ का ये रीति रिवाज है। और अभी टाइम हो गया 3 बज चुके हैं और हम लोग जब घूम के आए तो कम से कम 3-4 घंटा लग गया हम लोगों को घूम के आने में, लेकिन ये जो चक्कर लगा के आया वो पूरा हो गया। अब ये रीति रिवाज यहाँ तक कि अब इसमें पानी भरा जाएगा, जब तक पानी नहीं भर जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, और पानी पूरा भर जाएगा तब उसके बाद शंकर जी की स्थापना होगी। देखते रहिए। और गाइस इसको बोलते हैं हजारा। हजारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मटका है वो जल्दी भरता नहीं पानी से। I'm gonna go.
फाइनली गाइस घड़ा भर गया। A few moments later. तो फाइनली गाइस अब करेंगे हवन और स्थापना तो हो ही चुकी है। देखो पीछे धरे हैं भोलेनाथ जी, अब करेंगे हवन और भी करेंगे। आदमी बाबू